वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो आज का हमारा चैप्टर है हमारा EVS का 11th चैप्टर डायरेक्शंस एंड टाइम. इसके बारे में हम दिशा और समय के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है. जैसे कि आपने सुना है ना, डायरेक्शन क्या क्या होती है. मेन डायरेक्शन हमारी ईस्ट होती है, वेस्ट होती है, साउथ ईस्ट. तो वो क्या है उसके बारे में समझेंगे हम, और समय के बारे में. एंड ऑल्सो वी डिस्कस इन दिस चैप्टर डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन, मेजरिंग टाइम एंड टाइम पीरियड. सो हमें जैसा कि पता है, अ डे स्टार्ट विद द राइजिंग ऑफ द सन इन द मॉर्निंग. हमारा जो दिन की शुरुआत होती है वो किससे होती है, सन के राइज होने पर. वो हमारी मॉर्निंग मानी जाती है. वी ऑल नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. जैसा कि हम सभी को पता है, सूरज कहाँ से उगता है, कौन सी दिशा में उगता है, ईस्ट में, है ना, पूर्व दिशा से उगता है. एट नून व्हेन इट इज़ वर्टिकली अबव इट इज़ मिड डे. और जब नून का जो टाइमिंग होता है, 12 o'clock जैसे हम बोलते हैं दिन में जब होता है, तो वो मिड डे कहा जाता है, जिसे हम नून भी कहते हैं. ठीक है. इट सेट्स इन द इवनिंग इन द वेस्ट एंड फाइनली व्हेन इट्स गेट्स डार्क वी कॉल इट नाइट. और हम इवनिंग की बात करें, शाम में जब ये वेस्ट होता है, ठीक है, कौन सी दिशा में वेस्ट होता है, ये कौन सी दिशा में सेट होता है, ये वेस्ट दिशा में, है ना, पश्चिम जो दिशा है उसमें ये डूब जाता है शाम के टाइम. तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं अंधेरा हो जाता है, तो इसे हम नाइट कहते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट हम इस पिक्चर में ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. से ये जो बीवी है यहाँ पर सो रही है, तो आसपास का आप टाइमिंग देख सकते हैं कौन सा है, नाइट. ठीक. नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर क्या हो रहा है, कौन सी टाइमिंग है, ये बच्ची सोकर उठी है, तो ये मॉर्निंग है. फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये बच्ची क्या प्लेइंग कर रही है, सो अभी का टाइमिंग क्या कहलाएगा, ये डे. ठीक है बेटा. सो नाउ वी डिस्कस द डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन. होता क्या है, दिशाएं और उनकी उपदिशाएं हम किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. सो अमीशा एंड अलीशा आर बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पे दो बच्चियाँ हैं जो बेस्ट फ्रेंड है, एंड अलीशा जो है मार्केट की ओर जा रही है, बट शी डज नॉट द वे. बट उसे जो है वे नहीं मिल पाता है कि उसे किस रास्ते से वो मार्केट की तरफ जाए. शी मेट्स अमीशा एंड आस्क फॉर हेल्प. उसे उसकी फ्रेंड अमीशा मिलती है और वो उससे हेल्प मांगती है मार्केट जाने का, एक वे पूछती है कि किस साइड से वो जा सकती है. सो उससे बोलती है अमीशा, कैन यू प्लीज़ टेल मी द वे ऑफ मार्केट. क्या तुम मुझे मार्केट का रास्ता दिखा सकती हो. देन अलीशा आंसर करती है येस. अमीशा आंसर करती है येस अलीशा, जो मार्केट का रास्ता है उसने उसे बता दिया डायरेक्शन. पहले स्ट्रेट जाना है, एंड देन उसे जो रोड का जो एंड होगा उसमें लेफ्ट टर्न लेना है, एंड देन उसे एक पार्क दिखेगा. पार्क जब वो क्रॉस करके जाएगी तो उसे राइट टर्न लेना होगा. तो ऐसे उसने मार्केट का उसे वे बता दिया, रास्ता बता दिया. ठीक है, जिससे वो मार्केट की तरफ पहुंच गई. अब उसने लेफ्ट राइट टर्न तो उसे बता दिए, बट एग्जैक्टली ये होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं. डायरेक्शंस हेल्प अस फाइंड अवर वे. जैसा कि हमें पता है, डायरेक्शंस क्या करती है, हमें मदद करती है रास्ते को जानने के लिए. दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस. इसके साथ ही हमें क्या बताती है, कोई भी पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की या प्लेस की, ठीक है, वो किस पोजीशन में है, कौन सी डायरेक्शन है उसकी, उसके बारे में हमें सही बताती. जैसे कि आपको ये लड़की दिख रही है यहाँ पे, गर्ल, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट किधर है, लेफ्ट हमारा इस साइड होता है, उल्टा हाथ जैसे हम कहते हैं वो लेफ्ट होता है, राइट हमारा जो दायां हाथ होता है उसे हम राइट कहते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज़ आवर हैंड्स टू शो डायरेक्शंस. हम हमारे हाथों का भी यूज़ करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए. सो आवर लेफ्ट हैंड शोज द लेफ्ट डायरेक्शन. हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमें क्या दिखाता है, बाई दिशा दिखाता है, एंड द राइट डायरेक्शन. और जो हमारा राइट हैंड है वो हमें राइट डायरेक्शन दिखाता है. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में. जैसे डायरेक्शन आपने देखी है, जैसे ये क्या होता है, नॉर्थ, ये इधर होता है नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट. तो जो सन है वो यहाँ से उगता है और यहाँ पर डूब जाता है, तो हमारी ये डायरेक्शंस कहलाती है. ठीक है, अब हम बात करें सब डायरेक्शन की, तो इसके आसपास की जो डायरेक्शन होती है सब डायरेक्शन कहलाती है. इसके बारे में